স্ত্রীর সঙ্গে পারিবারিক বিবাদ, যার জেরে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল স্ত্রী। এরপর থেকে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। এর জেরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হলেন ব্যক্তি। ঘটনাটি ঘটেছে ভক্তিনগর থানার অন্তর্গত জাবরাম এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের শিমুলবাড়ি এলাকায়। মৃতের নাম রাজকুমার বর্মন। প্রায় 10 বছর আগে মালবাজারের বাসিন্দা কল্পনা রায়ের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল রাজকুমার বর্মনের। বিয়ের কিছুদিন পর থেকে দুজনের মধ্যে অশান্তি শুরু হয়। তবে কয়েক মাস আগে অশান্তির জেরে টাকা ও নিজের সন্তানদের নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যায় স্ত্রী। বাড়ি ফেরার কথা বলেও বাড়ি ফেরেননি স্ত্রী। এরপর থেকে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন ব্যক্তি। এদিকে গতকাল রাতে রাজকুমার বর্মন তার মায়ের সঙ্গে কথা বলে ঘুমোতে যান। আজ সকালে তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখা যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ভক্তিনগর থানার পুলিশ। সেখান থেকে একটি সুইসাইড নোটও উদ্ধার করেছে পুলিশ। পরে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এই বিষয়ে মৃতের মা জানান, আমার ছোট ছেলে পাঠিয়ে দিলাম খাওয়া দাওয়া করে। কালকে বলছে, বলে মা আমাকে ডাকবে না, আমার ঘুম না ভাঙলে ভালো লাগে না। কেউ যদি আসে বড় বাবলে ঘুম ভাঙবে, নিজে উঠবে, খেটে কাজে যাবে, আমাকে ওরকম বলছে কালকে। তা আমি বুঝতে পারছি, বলে ঘুম না ভাঙলে কীরকম লাগে তো না। তো আমি তখন আজকে একটু দেরি করে ডাকছি, দেখতেছি ওখানে গ্যামছাটা ওইখানে এরকম করে দিচ্ছি, দেখছি সে ফুটায় যেতে দরবাজাটা একটু ভাঙা আছে। তখন দেখলাম ওই যে ঝুলে আছে, কেন আমি জানি, বলে এখানে লাগলো লিখে যে আমার ছেলেগুলো পাহাইলো বাচ্চার জন্য, বলে কখন লাগছে। হ্যাঁ, তখন এই যে দেখতে সে শেষ কী কারণ, ওই যে আমার বৌমা ভাগে এসে টাকা পয়সা নিয়ে গাড়ি কিস্তি, ওই যে এইদিকে তিন টাকা কাজ করলো, ওই পয়সাটা এনে বৌমাকে দিছে, দিয়ে তবু বলে আমাকে পয়সা দি না, এরকম করে এরকম করে। আমি তো দেখছি, আমি নিজে চোখে দেখছি পয়সা দিতে ওকে। আমি একদিন বলছি ছেলেকে, বলতে তুমি পয়সা দেও না কেন, আমি বলছি কি দে না পয়সা, আমি দেখি নাই, গুনে গুনে দিছে বিষ্ণাপুরে। আমাকে বলে কি, হ্যাঁ ওই জন্য তোর চোখে লাগছে, घटना हुआ ये अपना गांव का एक लड़का था राजकुमार बर्मन, वो 28-29 साल करीब का था, शादीशुदा, और एक लड़का भी है उसका। तो उसने मतलब आज रात को सुसाइड कर दिया, हैंगिंग करके फांसी लगा लिया गले में। तो हमने उसका बॉडी अभी पुलिस आया था, पुलिस लेके गया पोस्टमार्टम के लिए। आज सुबह उसकी मम्मी बगल वाले रूम में रहता है तो उठाने के लिए गई, जो उसका वाइफ तो 1-1.5 महीना हो गया उसको, उससे इसके यहाँ से पैसा वैसा लेके वो तो चला गया अपना मायके। तो ये बुलाता है फ़ोन करके, नहीं आती है। तो इसी बात में वो थोड़ा डिप्रेशन में था, मेंटली डिप्रेशन। पूजा गया, उसमें भी एक लड़का है, आया नहीं। लाने के लिए भी गया था वहाँ पे, माल बाजार है उसका घर। उसका वाइफ का नाम है कल्पना राय, उसका पिताजी का नाम है रमेश राय। तो वो लाने के लिए गया था, नहीं आया। उसके बाद में वही थोड़ा टेंशन था, और कुछ कुछ पैसा जैसे बाइक का ईएमआई वगैरह बाउंस हो गया था, उसके बाइक ईएमआई वाला भी आया था, बाउंस हो गया था। तो कल शायद एक ईएमआई भी भरा था, वो थोड़ा डिप्रेशन में ही था, और इसी वजह से सुसाइड कर दिया। हाँ, ये एक वो उसके जेब से एक लेटर मिला है, जो लेटर में वो पूरा एक्चुअली वो राजमिस्त्री काम करता था, ठेकेदार भी था, छोटा मोटा काम लेता था। तो उसमें पूरा लिखा है कौन सा साइट चला है, क्या किया है, उसका बीवी उसके यहाँ घर में जो रखा हुआ पैसा, घर बनाने के लिए घर है उसको बनाने के लिए 2.5-3 लाख रुपये रखा था। तो उसका बीवी पूरा पैसा लेके चली गई है, मायके भाग गई है, और वो बोलती है जब मैं पैसा नहीं लिया ये वो, मतलब ये। और सुसाइड नोट में पूरा लिखा है जो तुम ऐसा क्यों किया मेरे साथ, इतना तुमको फ़ोन करके बुलाया नहीं आता है। फिर उसका कल ही शायद उसका ससुर से भी फ़ोन में बात हुआ था, बात किया था कि आपका बेटी मेरा ऐसा ऐसा किया, हम ठीक है कोई बात नहीं, पैसा लेके गया ठीक है, आ जाए घर में रहे कोई दिक्कत नहीं। तो उसकी मतलब इसका बीवी बोलता है कि हम नहीं आएंगे, तुमको जो करना है करो। उसी में वही बोल रहा है, जो मेरा अभी काम धाम मैं नहीं कर पा रहा हूँ, टेंशन में हूँ, काम में मन नहीं लगता है, तो ईएमआई में भरना है, जो बंधन का जो लोन लिया है उसका किस्ती देना है। तो उसको वाइफ को बोला तुम दे दो, और बाइक लिया था तो बाइक भी बंधक रख के पैसा ला के रखा था, वो बाइक बंधक रख के पैसा वो भी उसका बीवी लेके भागी। और हम लोग चाहते हैं उसको न्याय मिले, क्योंकि आज जो घटना हुआ है
ये उसके वाइफ के वजह से ये फुल्ली डिक्लेयर है, ये उसके वाइफ के मेंटल उसने जो टॉर्चर दिया है और एन वक्त पैसा लेके भाग गया उसका और इसको ऐसे छोड़ दिया अकेले में, तो वो टेंशन को झेल नहीं पाया इसीलिए उसने सुसाइड किया और इसका पूरा पूरी हम लोग दोषी मानते हैं इसके वाइफ को। तो हम कानून प्रशासन से निवेदन करेंगे जो उसको उसका विचार हो, हाई एफ आई आर करेंगे। 50,000 लोगों को अपनी मंजिल से है जोड़ा और नई उत्साह के साथ आए हैं फिर से थामने आपका हाथ। श्री शांति होंडा।